फ्रेंड्स, आप एक ओटीजी ओवन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा ओटीजी ओवन आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट ओटीजी ओवन अंडर 10,000 इन इंडिया 2022 के बारे में। तो इस वीडियो में हम साथ ही साथ में कवर करेंगे कि ओटीजी ओवन परचेस करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग कितनी कैपेसिटी का ओटीजी ओवन आपको परचेस करना चाहिए और इनमें कौन कौन से फीचर होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राइम टीवी टेक में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ओटीजी ओवन सेलेक्ट करने के पहले आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान में रखना है, चाहे आपकी फैमिली में दो मेंबर हों या फिर तीन मेंबर हों, आपको 28 लीटर की कैपेसिटी वाला मिनिमम आपको ओटीजी ओवन परचेस करना चाहिए। इससे कम कैपेसिटी में परचेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप खाना बनाने मतलब उसमें कुछ भी बेक करेंगे या फिर रोस्ट करेंगे तो मिनिमम 28 लीटर की कैपेसिटी रहेगी, तभी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बाद में उसमें यदि केक वगैरह भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं उसमें, तो बाद में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए 28 लीटर का मिनिमम आपको कैपेसिटी वाला ओटीजी ओवन सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आपकी बड़ी फैमिली है या फिर मतलब ज़्यादा मेंबर हैं आपकी फैमिली में, तो वहाँ पर आप बड़े कैपेसिटी वाले यानी 40 लीटर 60 लीटर तक में भी जा सकते हैं, बट मिनिमम 28 लीटर की कैपेसिटी वाला आपको ओटीजी ओवन ही सिलेक्ट करना है। और इस लिस्ट में मैं जितने भी ओटीजी ओवन बताऊंगा तो वो मिनिमम 28 लीटर हैं और उससे ज़्यादा लीटर वाले आप कैपेसिटी के साथ में देखने मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब ओटीजी ओवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। ओटीजी ओवन के अंदर आपको हीटिंग कॉइल देखने मिल जाती है, जिसकी हीट के कारण से आपका जो खाना है वो रोस्ट या फिर ग्रिल होता है। यदि आप बेकिंग के पर्पस से यदि ओटीजी ओवन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है कि उसमें कन्वेक्शन का फीचर होना चाहिए। इसमें होता क्या है, जनरली इसके अंदर आपको एक फ़ैन देखने मिल जाता है, जिस कारण से जो ओवन के अंदर की जो हीट है तो वो पूरे अंदर एरिया में वो फैलाता है, जिस कारण से आपकी जो बेकिंग की प्रोसेस वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। फ्रेंड्स, आप ओटीजी ओवन के अंदर आप ओटीजी ओवन सपोर्टेड ग्लास के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे हैवी सेरामिक मटेरियल से तैयार हुए आप सेरामिक के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट की, तो यहाँ पे पाँचवें नंबर पे आता है एग्रो कंपनी का 40 लीटर का ओटीजी ओवन, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक हीटिंग नॉब देखने मिल जाती है, जिसमें आपको 6 अलग अलग मोड देखने मिल जाते हैं, जिनके मदद से आप यहाँ पे बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग कर सकते हैं। इस ओटीजी ओवन में आपको कन्वेक्शन टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाती है, तो यदि आप बेकिंग करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आपको मोटराइज्ड रोटेसरी भी देखने मिल जाती है, तो यदि आप वेजिटेबल और चिकन वगैरह को काफ़ी अच्छे तरीके से रोस्ट करके खाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको वेरिएबल टेम्परेचर का नॉब देखने मिल जाता है, जहाँ पे आप 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे टाइमर का भी आपको यहाँ पे नॉब देखने मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। इस ओटीजी ओवन में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है और इसका जो करंट प्राइस है 6999 चल रहा है। प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं सेल या फिर ऑफर के दौरान, तो आप इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आता है बोरोसिल कंपनी के साइड से आने वाला 30 लीटर का ओटीजी ओवन, जिसका मॉडल नंबर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस ओटीजी ओवन में आपको बेक, रोस्ट, टोस्ट एंड रोटेसरी जैसे फंक्शन देखने मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको कन्वेक्शन टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाती है, जिस कारण से आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बेकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टाइमर नॉब देखने मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब देखने मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 60 मिनट तक का टाइमर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और यहाँ पे आप 60 मिनट तक का टाइमर सेट करके आप कोई सा भी फूड डिशेस वगैरह बना सकते हैं। बात करें थी इसकी वारंटी की, तो इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है। और यहीं पे बात करें प्राइस की, तो ये करंट टाइम पे 7500 के समथिंग आपको मिल जाता है। और यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर आता है मर्फी कंपनी के साइड से 28 लीटर का यहाँ पे ओटीजी ओवन देखने मिल जाता है, जिसका मॉडल नंबर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। इस ओटीजी ओवन में आपको 60 मिनट तक का आपको टाइमर नोब देखने मिल जाता है, साथ में यहाँ पे कीप वार्म का यहाँ पे आपको फीचर देखने मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे खाने को काफ़ी देर तक यहाँ पे गर्म रख सकते हैं। इसमें आपको मोटराइज्ड रोटेसरी देखने मिल जाती है, जिसकी मदद से आप चिकन वगैरह को या फिर पनीर टिक्का वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छा डिलीशियस फूड बना सकते हैं। इस ओटीजी ओवन में आपको गैल्वनाइज्ड रस्ट प्रूफ इनर चैम्बर देखने मिल जाता है, जिसकी मदद से आपका जो ओटीजी ओवन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, जिसके कारण से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसमें आपको वायर रैक देखने मिल जाती है जिसके मदद से आप टिक्का जैसी डिलीशियस डिशेस आप बना सकते हैं। और इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की पूरी आउटर बॉडी देखने मिल जाती है जिसके कारण से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो करंट प्राइस है वो 8,400 रुपये के लगभग देखने मिल जाता है। तो यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर आता है बजाज कंपनी की साइड से 28 लीटर का ओटीजी ओवन जिसका मॉडल नंबर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। इस ओटीजी ओवन में आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने मिल जाती है। इस ओटीजी ओवन में आपको 60 मिनट तक का टाइमर नॉब देखने मिल जाता है। यहाँ पे कीप वार्म फैसिलिटी आपको इसमें देखने मिल जाती है। साथ में यहाँ पे इसमें आपको कन्वेक्शन मोड देखने मिल जाता है जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी बेकिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसमें आपको रोटिसरी का फीचर भी देखने मिल जाता है जिसकी मदद से आप चिकन और या फिर पनीर टिक्का वगैरह भी बना सकते हैं। इसमें आपको 1800 वॉट तक का आपको हीटिंग एलिमेंट देखने मिल जाता है और इसमें 250 डिग्री तक का थर्मोस्टेट रेंज देखने मिल जाती है। यदि बात करें इसके वारंटी की, तो यहाँ पे इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है। और यदि बात करें इसके प्राइस की, तो इसका करंट प्राइस 9,500 रुपये का समथिंग आपको देखने मिल जाता है। और इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे पहले नंबर पे आता है फिलिप्स कंपनी के साइड से आने वाला 36 लीटर का ओटीजी ओवन जिसका मॉडल नंबर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। इसमें आपको ऑप्टी टेम्परेचर टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको वन टच 10 प्रीसेट मेन्यू देखने मिल जाते हैं जहाँ पे आपको 10 अलग अलग कस्टमाइज इंडियन मेन्यूज़ देखने मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे केक, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बन, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको कन्वेक्शन मोड भी देखने मिल जाता है जिसकी मदद से बेकिंग काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें आपको काफ़ी सारे मल्टी फंक्शनल मोड्स भी देखने मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने मिल जाती है जहाँ पे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि उसमें करेंट टाइम पे कितना टेम्परेचर है, तो उसे डिजिटल डिस्प्ले देखने मिल जाती है। और इसमें आपको ऑटो कट ऑफ का फीचर देखने मिल जाता है जो कि 90 मिनट के अंदर आपका ये जो ओटीजी ओवन है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको चैम्बर के अंदर लाइट भी देखने मिल जाती है। और बात करें थी इसके प्राइस की, तो ये अभी करंट टाइम पे 10,600 रुपये के समथिंग आपको देखने मिल जाता है। इसके प्राइस जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं सेल या फिर ऑफर के टाइम पे। तो इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आपके कोई भी ओटीजी ओवन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्यूरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम और भी किसी टॉपिक में वीडियोज़ बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।